वीर गाथा में आज बात भारत के सच्चे देशभक्त महान स्वतंत्रता सेनानी एवं कृषि वैज्ञानिक पिंगली वेंकैया की। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया का जन्म आंध्र प्रदेश के भटाला पेनमरु नामक गांव में 2 अगस्त 1878 को हुआ था। सन 1916 में पिंगली ने एक ऐसी ध्वज की कल्पना की जो सभी भारतवासियों को एक सूत्र में बांध दे। उनकी इस पहल को एसबी बोमान जी और उमर सोमानी जी का साथ मिला और इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन का गठन किया। सन 1931 में पिंगली द्वारा तैयार ध्वज जिसमें केसरिया श्वेत और हरे रंग के साथ केंद्र में अशोक चक्र स्थित था को सहमति दी गई। इसी ध्वज के तले आजादी के परिवारों ने कई आंदोलन किए और सन 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आजादी की घोषणा के कुछ दिन पहले ये प्रश्न आ खड़ा हुआ कि अब राष्ट्रीय ध्वज को क्या रूप दिया जाए। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई और 3 सप्ताह बाद 14 अगस्त को इस कमेटी ने ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में घोषित करने की सिफारिश की। 15 अगस्त 1947 को तिरंगा हमारी आजादी और हमारे देश की आजादी का प्रतीक बन गया। राष्ट्रीय ध्वज बनने के बाद पिंगली वेंकैया का झंडा झंडा वेंकैया के नाम से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। 4 जुलाई 1963 को श्री वेंकैया दुनिया को अलविदा कह गए। देश के ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा शत शत नमन।